राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है और उम्मीदवार प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई राजनेताओं के लिए उनके बयान ही मुसीबत बनने लगे हैं। इसमें पहला नाम आया है कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी का, जिनकी ओर से एक दिन पहले जाति को लेकर दिए गए बयान पर निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने जोशी के बयान को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा है और 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। हालांकि जोशी ने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन अब आयोग की तलवार लटकने के बाद जोशी को 25 नवंबर तक अपना जवाब पेश करना ही होगा। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में प्रचार के दौरान जोशी ने राजसमंद के खमनोर के सेमा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती को लेकर जातिगत टिप्पणी की थी, जिसके बाद से जोशी भाजपा सहित कई दलों के निशाने पर थे। वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनावों में नेताओं की बयानबाजी राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भाजपा की ओर से जहां सीपी जोशी के बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई, तो अब कांग्रेस ने बीजेपी के चार नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रामहेत यादव ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बताया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जनसभा में विपक्ष की गिरेबान पकड़ने की बात करते हैं, जो कि चुनाव आयोग की आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। वहीं भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी मतदाताओं को सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं, तो भाजपा उम्मीदवार शोभा चौहान के पति राजकीय सेवा में हैं और इलाके में मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने चारों मामलों में चुनाव आयोग से शिकायत की है। चार शिकायतें मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की गई हैं। पहली है रामहेत यादव विधायक भाजपा एवं प्रत्याशी किशनगढ़ बास के बारे में, जहां उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, हो सकता है बड़े हो, वो अब देखते हैं कौन तय करेगा। दूसरी शिकायत है अमित शाह साहब के खिलाफ, मतदाता को धमकाने व गुमराह करने और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बयानबाजी इस तरह की करने की, अगर विपक्षी पार्टी आए तो उसका गिरेबान पकड़ लो। अब वो पता नहीं हमारे लिए कह रहे थे या 11 दिसंबर के बाद अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे, हमें नहीं मालूम। जिसके लिए भी कह रहे थे गलत कह रहे थे। हम इस तरह की परंपरा नहीं चाहते कि कोई किसी का गिरेबान पकड़े। हमें मालूम है किसी को सजा देनी होती है तो वोटर बटन दबा कर देता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं समझते। सिर्फ अमित शाह की भाषा है ये। अमित शाह साहब का तो आप पूरा इतिहास भी जानते हैं, ये गिरेबान पकड़ना, धमकाना, डराना, अलग अलग केसेस में, इसीलिए इनके नाम बार बार उभर कर आते हैं। लेकिन हमने ये भी बात चुनाव आयोग को लिखी है। तीसरी है श्रीचंद कृपलानी जी का, जो अभी उन्होंने उदाहरण दिया आपको कि मुझे अगर वोट नहीं दिया, मुझे नहीं जिताया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अरे साहब, 5 साल आपने लोगों के सपनों की हत्या की, तब तो आपको होश नहीं आया, अब वोट के लिए आत्महत्या की धमकी दे रहे हो। अरे जहां 100-100 किसान आत्महत्या कर गए, जहां 4 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां व्यापारी कर्मचारी, ये पहला राज्य है जहां मैंने सुना है कि इतनी आत्महत्याएं कर्मचारियों की, व्यापारियों की, पहली बार मैंने सुना कि नौजवान, बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए आत्महत्या कर ले। ये चिंता नहीं है श्रीचंद कृपलानी जी को, अपनी जीत की चिंता है। तभी हम कहते हैं बार बार, इनका नारा है कुर्सी बचाओ, हमारा नारा है प्रदेश बचाओ। ये कुर्सी बचाओ वाले लोग जो है ना, जब अपनी कुर्सी पर आ जाती है तो आत्महत्या की चिंता आ गई, आत्महत्या की धमकी दे डाली। बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के रण में शुरू हुए तूफानी प्रचार की, जहां भाजपा से वसुंधरा राजे और कांग्रेस से अशोक गहलोत और सचिन पायलट तूफानी प्रचार में कूद चुके हैं। वहीं दोनों पार्टियों के दिग्गज और स्टार प्रचारकों ने भी प्रदेश में प्रचार शुरू कर दिया है। पहले बात करें भाजपा की, तो भाजपा के रेल मंत्री पीयूष गोयल अलवर और करौली के श्री महावीर जी के दौरे पर रहे, तो सीएम राजे जोधपुर संभाग के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में ही हैं, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोटा में कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बिणेश्वर धाम के दौरे पर हैं। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी आनंद शर्मा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जहां प्रदेश के दौरे में व्यस्त हैं और भाजपा को निशाने पर लेने में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी 26 नवंबर को 3 जिलों में पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं।
अब बात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के राजस्थान दौरे की। गोयल सबसे पहले अलवर पहुंचे और यहां 25 नवंबर को होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गोयल ने एक बार फिर भाजपा सरकार बनने का दावा किया और कहा कि मोदी की जनसभा से यहां भाजपा के पक्ष में माहौल जरूर बनेगा। अलवर के जनता और कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो चुनाव की विजय का भूगल कल अलवर से शुरू होगा वो पूरे प्रदेश में आंधी की तरह फैल के फिर एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं रेल मंत्री हूँ तो कई बार रेल का उदाहरण लेता हूँ कि जिस प्रकार से गत 4.5 सालों में जब से मोदी सरकार आई तेज गति से राजस्थान में विकास हुआ है, जिस प्रकार से एक डबल इंजन रेलगाड़ी को दुगना पावर देके गति भी बढ़ाती है और सुरक्षा भी बढ़ाती है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। राजधानी के सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से सीधी बात में अशोक गहलोत ने कहा कि सभी विभागों के पास पूरा पैसा होते हुए भी विकास कार्य नहीं के बराबर हुए हैं और मंत्रियों के बीच भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी रही। उन्होंने सीएम राज्य पर बजरी माफिया और भूमाफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती देवी झाला ने पार्टी छोड़ दी है। झाला ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चित्तौड़गढ़ में भगवती ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि भगवती देवी झाला मेवाड़ की पुरानी नेता हैं। 2003 में वे बड़ी सादड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। इसके बाद वे पार्टी संगठन में काम करती रहीं और प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष बन गई। अब भगवती कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए दल बदलने की राजनीति में जुटे हैं। टिकट कटने के बाद से शुरू हुआ दल बदलने का सिलसिला जारी है। पीसीसी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विजय सारस्वत ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे ने सारस्वत को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं सारस्वत के साथ उनके कई समर्थकों ने भी कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की, जिनका पांडे ने स्वागत किया। अब खबर जयपुर से, जहां विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सामाजिक संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने कहा है कि सवर्ण समाज के हितों की रक्षा करने वाले उम्मीदवारों का ही कर्णी सेना समर्थन करेगी। ऐसे प्रत्याशियों से कर्णी सेना लिखित में शपथ पत्र भी लेगा जो 7 मांगों पर अपनी सहमति देगा। इनमें आर्थिक आधार पर आरक्षण देने, स्वर्ण वर्ग आयोग के गठन की मांग, महाराणा प्रताप भामाशाह बोर्ड के गठन की मांग, SC ST अत्याचार संशोधन नियम 2018 को निरस्त करने की मांग की है, SC ST क्रिमिनल लेयर को वर्ग से बाहर किया जाए, राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाए, इस सहित 7 मांगों को मानने वाले को ही राजपूत समाज समर्थन देगा। घोषणा पत्र नाम दिया गया है और उस घोषणा पत्र को जो जो फॉलो करेंगे उस पे साइन करेंगे। हम कांग्रेस और बीजेपी किसी पार्टी के साथ ना होते हुए व्यक्ति विशेष के साथ रहेंगे और जिसके अंदर उस जो ये हमारा घोषणा पत्र है इसको फॉलो करेंगे, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनको जिताने का काम करेंगे, उनको विधानसभाओं में भेजने का काम करेंगे।
ये आज डिसीजन लिया गया है। मुख्य रूप से 7 बिंदु हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 बिंदु तो ये हैं कि SC ST एक्ट के अंदर 18A जो धारा बगैर जांच के गिरफ्तारी की है वो हटाई जाए तुरंत प्रभाव से, और एक आर्थिक आधार पर सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, एक जो आरक्षण जिनको दे रखा है उनमें क्रिमिनल लागू किया जाए, आज IAS IPS जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये गलत है, इसलिए कर्मचारी लागू की जाए, और इसके साथ साथ एक सवर्ण कास्ट के लिए बोर्ड का गठन किया जाए जिसके अंदर भाई बहनों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, हॉस्टल की व्यवस्था हो, उनके लिए वजीफे के जो भी सिस्टम सरकार की तरफ से होते हैं वो सारे सामान्य कास्ट के भाई। एक तरफ भाजपा कांग्रेस के दिग्गज चुनावी प्रचार में कूद चुके हैं तो भला बहुजन समाज पार्टी इन दोनों को टक्कर देने में कहां पीछे रहने वाली है। पार्टी 2008 की सफलता को फिर से दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती भी चुनावी रैलियों को संबोधित करने 25 नवंबर से राजस्थान दौरे पर आने वाली हैं। वे 25 नवंबर को सवाई माधोपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। बसपा पदाधिकारियों ने बताया कि मायावती की सभी रैलियां कई जगह होंगी। सवाई माधोपुर के बाद करौली, झुंझुनू के बुहाना, जयपुर के आमेर, भरतपुर के नदबई, दौसा के बांदीकुई, जालौर के आहौर और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। आइए राजनीतिक विशेषक अनिल लोढ़ा जी से जान लेते हैं कि बसपा का आखिर कितना अस्तित्व रहने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में। देखिए, बसपा ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, मैंने पहले भी लोहाया चुनाव कार्यक्रम में इस बात को कहा है कि बसपा ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं वो स्ट्रेटेजिकली खड़े किए हैं। मानो दोनों जाट हैं तो दूसरी जो जाति है सेकंड लार्जेस्ट उसका आदमी खड़ा कर दिया, गुजर खड़ा कर दिया, दो एक ही जाति के माली आ रहे हैं तो या गुजर आ रहे हैं तो माली खड़ा कर दिया, SC में भी कोई कौम बैरवा है तो दूसरी मेघवाल खड़ा कर दिया इस तरह उन्होंने, या कहीं मुसलमान खड़ा कर दिया इस तरह स्ट्रेटेजिकली खड़े किए हैं उन्होंने जाति को देख के, समीकरणों को देख के। वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को पहुंचाएंगे, क्योंकि जो BJP का वोट है वो बसपा की तरफ नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। कांग्रेस का वोट ही BSP अट्रैक्ट कर सकती है। BSP के मौजूद होने का मतलब 5-7-10 सीटों पर कांग्रेस को डैमेज होना है, वो होगी ही। अब इसमें मनोज न्यागली की तरह या कुशवाहा की तरह कोई ऐसा समीकरण बन जाए किसी शहर में किसी विधानसभा सीट पर तो वो जीत भी सकती है। तो 5-7 सीटें ऐसी हैं जिसमें बसपा की उम्मीद है, जैसे हम जिक्र करते हैं हमेशा रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ का, वहाँ चतुष्कोणीय फाइट है, BJP कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर जाती रही हैं पिछली बार 2-3 बार से, और कोई फॉलोइंग नहीं है, पार्टी की मेंबरशिप नहीं, फिर भी साइकिल पर सवार होके अखिलेश मुलायम की पार्टी का सूर्यदान भानधान का जीत जाता है। इस बार वहाँ पे उनके सामने बसपा से डेयरी चेयरमैन आ गए अलवर के बदनाराम मीना, तो वो फाइट ऐसा लगता है दोनों के बीच हो जाएगी। हालांकि वो समरत लाल के बेटे BJP से हैं, कांग्रेस से पुराने खिलाड़ी जवाहरलाल मीना, लेकिन इस चतुष्कोणी फाइट में भी बसपा मुख्य टक्कर में है। ऐसे कई जगह बसपा मुख्य टक्कर में है, और मुख्य टक्कर में जो उम्मीदवार होता है उसके लिए कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो जीत नहीं सकता, वो जीत सकता है, उसकी संभावना बनी रहती है आखिरी दम तक। तो कौन सा समीकरण बसपा की किस प्रत्याशी को जीत की तरफ ले जाएगा आज नहीं कहा जा सकता, पर बसपा अपनी दस्तक देगी विधानसभा के दरवाजे पर और उनके कुछ प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में बैठ सकते हैं, इससे इनकार नहीं करता। मायावती आएंगी, वो अब एक अलग नए तरह की हवा बहेगी, हाथी की नीले झंडे की, और उन सीटों पर भी कांग्रेस को अपनी डैमेज कंट्रोल में लगना पड़ेगा, तो ये कवायद होगी एक तरह से, और उनके मायावती दौरे के बाद पता लगेगा कि बसपा की स्थिति क्या बन पाती है। बसपा की स्थिति इसलिए थोड़ी सी और महत्वपूर्ण है जानना कि पहली बार है 2 अप्रैल का भारत बंद और 6 सितंबर का भारत बंद, ये दोनों जिस बेस पे आए हुए हैं, आधारभूत बात पर हुए हैं, वो बसपा की लाइन और लेंस से जुड़ी हुई है, बसपा के आधारभूत सिद्धांतों से रणनीति जुड़ी हुई बातें हैं। तो क्या 2 अप्रैल का असर पड़ेगा तो बसपा को फायदा होगा, अगर 6 सितंबर की याद समन्वय आएगी तो बसपा को नुकसान होगा। तो ये